हर्षल डफार, पिछले 44 साल से MBBS और MD स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ विभिन्न विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, GMC भोपाल और अभी LNCT का जो खुला है इंदौर। बेसिकली मैं सोनोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खाना टेस्ट करके सर्टिफाई किया, राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका सर्टिफाई किया, और 3 गवर्नर्स और 2 चीफ मिनिस्टर्स की मैंने सोनोग्राफी की। तो फेम बहुत मिला मुझे, पैसा भी बहुत ज़्यादा मिला, और मैं वेस्टीज में सिर्फ 3.5 साल पहले मिस्टर सुरेश तिवारी जो अभी डायमंड डायरेक्टर हैं वो आ नहीं पाए, उनकी वजह से आया। मेरे अपलाइन HP साहू सर और सुरेश श्रीवास्तव सर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो गाइडेंस देते रहे। और कोरोना काल में जो बाली साहब के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से मेरा और मेरे अपलाइन और डाउनलाइन की जिंदगी बची हुई है, और आगे भी मैं यूज करने की आप लोगों को सलाह देता रहूंगा। हम लोग जब पैदा होते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि ये डॉक्टर पैदा हुआ है, कोई ये नहीं कहता कि ये वकील पैदा हुआ है। जब मरते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये डॉक्टर डफाल मरा है या ये एडवोकेट मरा है। तो वेस्टीज में आपकी जर्नी एक बच्चे जैसी होनी चाहिए, और जैसे आप तैरना सीखते हैं पानी में घुसे बिना आप तैर नहीं सकते, किताब से या सेमिनार से आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको सेल करना आना चाहिए। आप सेल कॉन्फिडेंस के साथ करें, और जैसे अपन साइकिल सीखते हैं तो उसमें पिछले पहिए में 2 छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं कि आप गिरे नहीं और अपना घुटना न टूटे। तो आपके वेस्टीज में 2 सपोर्ट हैं, अपलाइन और डाउनलाइन, बिना उनके आपकी साइकिल चल नहीं सकती। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वेस्टीज का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार की बात आप अपने दिल में कभी लाना नहीं, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत खूब।